डीआरडीओ ने 14 मार्च 2023 को एक ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया जो एकदम रूस के S-400 की तरह है। इस मिसाइल की स्पीड एयर डिफेंस सिस्टम के हिसाब से बेहतरीन है। इससे दुश्मन के विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को भागने या बचने का मौका ही नहीं मिलेगा। डीआरडीओ ने ओडिशा के समुद्र तट पर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया, वो भी एक नहीं लगातार दो परीक्षण किया। इस मिसाइल को जमीन पर मौजूद मैन पोर्टेबल लॉन्चर से दागा गया है, यानी इसे कोई भी आराम से किसी भी जगह ले जाकर दाग सकता है, चाहे वो चीन की सीमा से सटे हिमालय के पहाड़ हो या फिर पाकिस्तान से सटे रेगिस्तानी सीमा या सियाचिन का ग्लेशियर हो। इसकी मदद से तेज गति से आने वाले विमान, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और मिसाइल या ड्रोन को मार गिराया जा सकता है। ये मिसाइल बेसिकली एक कम दूरी के इंटरसेप्टर मिसाइल है, जैसे रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है। खास बात यह है कि इस हवाई सुरक्षा प्रणाली को देश में ही विकसित किया गया है। इसे बनाने में डीआरडीओ की मदद हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत ने की है। इस मिसाइल में कई तरह की नई आधुनिक तकनीकें लगाई गई हैं, जैसे डुअल बैंड IIR सीकर, मिनिएचर रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम, इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स। इस मिसाइल को इस्तेमाल भारतीय सेनाएं एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर में कर सकती हैं। इस मिसाइल का वजन 20.5 किलोग्राम है, इसकी लंबाई करीब 6.7 फीट है और डायमीटर 3.5 इंच है। यह अपने साथ 2 किलोग्राम वजन हथियार ले जा सकता है। इसकी रेंज 250 मीटर से 6 किलोमीटर तक की है। यह अधिकतम 11,500 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसकी अधिकतम गति 1800 किलोमीटर प्रति घंटा है। इससे पहले इसकी टेस्टिंग पिछले साल 27 सितंबर को की गई थी। ऐसी वीडियोस को अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें एबीपी लाइव चैनल को और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।